कबूतरों का पेड़, क्या आपने कबूतरों का पेड़ देखा है? हमने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के एकदम पास, ताजमहल होटल के एकदम पास कबूतरों का पेड़ देखा। और हम ही नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आने वाले हजारों हजार पर्यटक इस पेड़ को देख करके ठिठक जाते हैं। पेड़ तो पीपल का ही है, लेकिन इसकी हर शाखा पे, हर टहनी पे कबूतर ही कबूतर हैं। और यहाँ पे कबूतरों का जमघट लगा रहता है। गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आने वाले सभी पर्यटक एक बार इस कबूतरों के पेड़ को देखना सौभाग्य की बात मानते हैं। ये देख करके उन्हें सुकून मिलता है। पेड़ और पक्षी का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है, और पेड़ पक्षी प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता भी बहुत गहरा होना चाहिए। ये कबूतरों का पेड़ हमें पेड़ों से, प्रकृति से, कबूतरों से, पक्षियों से अपना रिश्ता और नज़दीक ही पुरातात्विक महत्व का स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया, तो इतिहास के साथ रिश्ता और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ, पुरातात्विक स्मारकों के साथ रिश्ता भी ये जगह कायम करती है। और देखिए कबूतरों का हुजूम, झुंड। यहाँ पे लोग दाने खरीदते हैं और इन कबूतरों को खिलाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से हर कदम पे कबूतर, और इन्हीं में से सैकड़ों कबूतर हर समय पीपल के पेड़ पे हमें दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ से उड़ते हैं तो कुछ आकर के बैठ जाते हैं। और ये देखिए पर्यटक अन्य बच्चे दाना लेकर के पक्षियों को खिला रहे हैं। ये कुदरत के साथ, पक्षियों के साथ, पेड़ों के साथ ये रिश्ता हमारा बना रहे। हम पेड़ लगाएं, पक्षियों की परवाह करें, पक्षियों के दाना पानी का प्रबंध करें, शायद यही संदेश कबूतरों के पेड़ और प्रकृति से हमें मिलता है। नज़दीकी अरब सागर है तो पेड़, पक्षी और पानी, यही है जीवन की कहानी।